इस खबर के प्रायोजक हैं लॉजिक्स सॉफ्टटेल। लाइफ एट लॉजिक्स, द लाइफ यू डिजर्व, सर्विंग द नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। मुरादाबाद में दहेज की मांग करने वाले एक दूल्हे को दुल्हन ने ठुकरा दिया और पुलिस से उसकी शिकायत भी कर दी। हालांकि अब दूल्हे का कहना है कि दोस्तों ने उसे शराब पिला दी थी। पुलिस ने आरोपी दूल्हे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के मोड़ा पांडे इलाके के गांव रसूलपुर के रहने वाले रतन शर्मा ने अपनी बेटी की शादी ठाकुर द्वारा के रहने वाले गौतम से तय की थी। बारात आई और शादी की रस्में होने लगी, लेकिन इसी दौरान शराब के नशे में धुत दूल्हा गौतम ने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग रख डाली, जिसके बाद दुल्हन सरिता ने गौतम से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सरिता ने दहेज लोभी दूल्हे को सबक सिखाने के लिए उसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज करा दी। आरोपी दूल्हा का कहना है कि उसके दोस्तों ने उसे शराब पिला दी थी, जिसके बाद लड़की वालों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी दूल्हे को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सिद्धांत वत्स, न्यूज फर्स्ट। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज फर्स्ट।